गाइस आज वीडियो हम बात करेंगे हैबिट नंबर 4 की, जो है थिंक विन विन, जो ली गई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से और इसको लिखी स्टीफन कोवी ने। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको एक स्टोरी समझते हैं कि मान लो तुम अपनी क्लास में, आपने कभी ऐसा तो क्या होगा कि ड्राइंग का पीरियड हो, आप स्केच पेन लाए हो, आपका फ्रेंड पेंसिल कलर्स लेकर आया हो, ठीक है, और आपको ज़रूरत हो पेंसिल कलर्स की और आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो स्केच कलर्स की, तो आप आपस में शेयर कर लेते थे। इससे क्या होता था, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी बनती थी और दोनों ही का ही विन विन होता था। तो हमें इसे ये समझ में आता है कि यदि हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से सोचना चाहिए कि इसमें दोनों का ही विन हो, एक का ना ही लॉस हो ना दूसरे का विन, यानी कि बैलेंस दोनों में बना रहे। ये जो ऑफर होता है, जो डील होती है, बहुत ही अच्छी डील मानी जाती है, इसे बैलेंस डील भी कहते हैं, और ये जो डील होती है एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाए रखती है। चलिए एक चीज़ से समझते हैं, मान लो कि तुम बॉस हो अपने कॉर्पोरेशन के, तो आप वर्क कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको जो भी डिसएग्रीमेंट होगा आप अपने एम्प्लॉयज़ पे डालोगे और अपने जो एम्प्लॉयज़ होगे उसको वो चीज़ माननी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको अपनी जॉब की पड़ी है, ठीक है। भले ही एम्प्लॉयज़ को लग रहा हो कि जो बॉस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे होते क्योंकि बॉस को अपना दिखाना होता कि वही सही है। तो ऐसे में क्या होगा, हर समय आप ही जीत रहे होगे और आपका एम्प्लॉय लॉस कर रहा होगा। बट ऐसे में हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपका लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, अगर आपका एम्प्लॉय जो भी फैक्ट है वो आपको बताएगा, आपकी जो भी बात हो रही बॉस की, जो आप बॉस है आपकी जो भी बात है उसको कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं, अगर वो कह पाएगा, उसके पास अगर मतलब अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कह पाएगा विदाउट इस डर से कि बॉस कहीं उनकी जॉब से नहीं निकाल दे, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ होगा जिससे बॉस को पता चल पाएगा कि वो कैसे उनको अपनी कंपनी में और अच्छा करना है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ उनको अच्छे से बता पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ होगा अगर आप एक बॉस, आप एक बेटर अपने आप को दिखाएं, यू कैन गेट मोर आउट ऑफ योर एम्प्लॉयज़, इससे यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और आप एक हैप्पी एम्प्लॉयज़ को भी कर पाएंगे और आपके एम्प्लॉयज़ बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएंगे, और इससे एक मोटिवेशन भी डेवलप होता है एम्प्लॉयज़ के प्रति। और ये आप और इवन अगर हम विन विन सोचें तो ये हमारे रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अगर हम अपनी फ्रेंडशिप, अपने पेरेंट्स, अगर सबके साथ अगर ऐसा हम डील करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जिससे हमारी जो डील जो होगी वो तो फिक्स रहेगी रहेगी, सामने दूसरे वाले के फ़ायदा होगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन विन।